हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ खो खो से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के। ये खो खो के नए रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे, एंड 32 क्वेश्चंस आज के वीडियो में हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि दोस्तों एमपी टेट का रिजल्ट आपने देख लिया है, अब मेन एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाइए एंड ज़्यादा समय नहीं देगा। लास्ट सितंबर या अक्टूबर के मध्य में इसका एग्जाम हो जाएगा, एंड यूपी टीजीटी का भी अब एग्जाम जल्द ही होगा, एंड यूपी एलटी गेट का भी वैकेंसी अब आएगा क्योंकि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। यूपी टीजीटी 2016-2021 का भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रहा है, उसके बाद एग्जाम होगा। इसलिए ये सामने आपके 2-3 एग्जाम्स दिख रहे हैं, और अदर स्टेट का जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो सभी प्रकार के टॉपिक मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग आप अपना स्कोर चेक कीजिए। क्वेश्चन है कि खो खो का जन्म किस देश में हुआ। तो दोस्तों, खो खो का जन्म जो है भारत के पुणे महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुआ। जैसे कि दोस्तों, खो खो जो है संस्कृत के स्यू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खड़े हो और जाओ, यानी उठो, खड़े हो और जाओ। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम खो खो पुरुष प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, भारत की प्रथम खो खो पुरुष प्रतियोगिता 1960 विजयवाड़ा में आयोजित किया गया था। एंड नेक्स्ट है, भारत की प्रथम खो खो महिला प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुआ था। तो भारत की प्रथम महिला प्रतियोगिता 1961 कोल्हापुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, भारतीय खो खो संघ की स्थापना KKFI यानी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KKFI का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, KKFI का पूरा नाम खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, खो खो में प्रथम अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया। तो दोस्तों, 1970 में खो खो में अर्जुन पुरस्कार दिया गया किसको, सुधीर भास्कर राव परव को। नेक्स्ट है, खो खो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कब और किसको दिया गया। तो खो खो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार गोपाल पुरुषोत्तम फड़के 2000 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो को संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है। तो दोस्तों, खो खो को संस्कृत के सीव शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खड़े हो जाओ, यानी खड़े उठो, खड़े हो और जाओ। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या खो खो खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे पूर्णिमा ट्रॉफी आपका है वॉलीबॉल से रिलेटेड, रोवर्स कप फुटबॉल से रिलेटेड, यहाँ पे नेहरू गोल्ड कप आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि नेहरू कप, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, ये दोनों फुटबॉल से रिलेटेड हैं, और नेहरू ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है, यहाँ पे नेहरू गोल्ड कप है, ये आपका खो खो में हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से खो खो खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पे रंगास्वामी कप हॉकी से रिलेटेड है, तो खो खो से रिलेटेड यहाँ पे है आपका वीर अभिमन्यु पुरस्कार। खो खो में अन्य पुरस्कार हैं, जैसे कि वीर अभिमन्यु पुरस्कार दिया जाता है अंडर 18 यानी कि 18 वर्ष से कम लड़कों के लिए, एंड एक जानकी पुरस्कार होता है जो अंडर 16 यानी कि 16 वर्ष से कम लड़कियों के लिए, एंड एकलव्य पुरस्कार होता है जो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है खो खो के अंतर्गत।
नेक्स्ट है खो खो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों। तो वर्तमान रूल के हिसाब से इसका लंबाई चौड़ाई है प्रेजेंट में 27x16 मीटर। कितना? 27x16 मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो के अंदर जो फ्री जोन की लंबाई कितनी होती है। तो खो खो को अंदर फ्री जोन की लंबाई जो है 1.50 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है खो खो में पोस्ट लाइन से पहले क्रॉस लाइन के मध्य कितनी दूरी होती है। तो जो पोस्ट होती है, पोल होती है, उस लाइन से पहले क्रॉस लाइन की दूरी कितनी दूर पर होती है? तो 2.55 मीटर यानी कि 255 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्री जोन 1.50 मीटर एंड पोस्ट से प्रथम क्रॉस लाइन की दूरी 2.55 मीटर। नेक्स्ट है खो खो में एक क्रॉस लेन से दूसरे क्रॉस लेन के मध्य कितनी दूरी होती है। दोस्तों एक क्रॉस लेन से दूसरे क्रॉस लेन के मध्य दूरी कितनी होती है? तो उसकी दूरी होती है 2.30 मीटर यानी कि 230 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है खो खो में एक पोल से दूसरे पोल के बीच कितनी दूरी होती है। तो एक पोल से दूसरे पोल के बीच 24 मीटर दूरी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, कितनी होती है? 24 मीटर। नेक्स्ट है खो खो में पोल की ऊंचाई कितनी होती है। तो खो खो में पोल की ऊंचाई 120 से 125 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है खो खो में पोल का व्यास कितना होता है यानी डायमीटर जो होता है वह होता है खो खो में पोल का व्यास 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है खो खो में एक मैच की अवधि कितनी होती है। तो खो खो में एक मैच की अवधि होती है 48 मिनट। कितना? 48 मिनट यानी कि 9×3×9 कितना होता है? 9×3×9 फिर 6 मिनट का आपका मध्यांतर होगा फिर आपका 9×3×9। ठीक है, तो 9×4=36 और 3×3=6 यानी 48 मिनट का होता है। नेक्स्ट है खो खो के मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। अब कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो में डिफेंडिंग टीम के खिलाड़ी को पकड़ने वाली अटैकिंग टीम के खिलाड़ी को क्या कहते हैं। जो प्लेयर बैठे रहते हैं उसको अटैकिंग टीम कहते हैं, वो दूसरे डिफेंडिंग टीम को पकड़ता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको एक्टिव चेजर कहा जाता है। क्या कहता है? एक्टिव चेजर। और जो दौड़ रहा है उसको एक्टिव रनर कहते हैं, जो पकड़ रहा है उसको एक्टिव चेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव चेजर। यहाँ पे ख आपका राइट होगा। क्या होगा? ख राइट होगा, एक्टिव चेजर। नेक्स्ट है खो खो में डिफेंडिंग टीम के पकड़े जाने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं, यानी जो दौड़ रहा है, जो दौड़ा रहा है उसको एक्टिव चेजर कहेंगे, लेकिन जो दौड़ रहा है, जिसको पकड़ रहे हैं हम, तो डिफेंडिंग टीम के पकड़े जाने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव रनर। क्या कहते हैं? एक्टिव रनर। नेक्स्ट है खो खो में निर्णायक कितनी होती हैं। तो इसमें 6 निर्णायक होते हैं। कितनी होते हैं? 6 निर्णायक, एक रेफरी, 2 अंपायर, एक टाइम कीपर एंड एक स्कोरर। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है। यहाँ पे आपको देखना है इसे विषम क्या है। यहाँ पे खेल शब्दावली है, यहाँ पे डबल चैन, सिंगल चैन कबड्डी में होता है, सेंटर लाइन कर दूसरे गेम में होता है, बट यहाँ पे बैक अटैक। यहाँ पे कौन राइट होगा? यहाँ पे राइट होगा दोस्तों ग, सेंटर लाइन कट।
सेंट्रल लाइन कट यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट लीफ में से क्या विषम है? तो यहाँ पे दोस्तों अर्ली गेटअप आपका विषम है, यानी कि डबल चैन पोल टू पोल रनिंग डाई यहाँ पे ए विषम है। क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ बनाया है। नेक्स्ट है इनमें से क्या विषम है? तो दोस्तों एक्टिव चेजर, एक्टिव रनर और चेजर, ये तीनों किससे रिलेटेड है? खो खो से, जबकि बैक अटैक नहीं है। नेक्स्ट इनमें से क्या विषम है? तो यहाँ पे क्या विषम है? साइड लाइन, एंड लाइन, पोस्ट लाइन, एक खो खो से रिलेटेड है जबकि सेंटर लाइन नहीं है, यहाँ पे क विषम है। नेक्स्ट है इनमें से क्या विषम है? यहाँ पे क्या विषम है आपको देखना है। यहाँ पे अटैक जो है वो विषम है। यहाँ पे शोल्डर डायरेक्शन, सेंटर लेन कट आपका खो खो से रिलेटेड है जबकि दोस्तों यहाँ पे अर्ली गेटअप, यहाँ पे अटैक शब्द क्या है आपका विषम है। नेक्स्ट इनमें से क्या खो खो के संबंध में विषम है? तो यहाँ पे आपको देखना है रेफरी, अंपायर, स्कोरर खो खो में होते हैं बट थर्ड अंपायर क्रिकेट में होता है, यहाँ पे ये विषम है। नेक्स्ट है इनमें से क्या खो खो के संबंध में विषम है? तो दोस्तों 24 मीटर पोल से पोल की दूरी होती है, 27 मीटर पोल के खोखो के ग्राउंड की लंबाई होती है, 16 मीटर चौड़ाई होती है, ये तीनों सेम है बट 29 मीटर आपका विषम है। नेक्स्ट है इनमें से क्या खोखो के संबंध में विषम है? तो यहाँ पे आपको देखना है क्या विषम है। लेट एंट्री आउट, फील्ड आउट, टच आउट ये सेम है बट पुश आउट आपका विषम है। नेक्स्ट है इनमें से क्या खो खो के संबंध में विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या विषम है आपको देखना है। जानकी पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार खो खो में दिए जाते हैं, बस पूर्णिमा पुरस्कार वॉलीबॉल से रिलेटेड है इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट इनमें से क्या खो खो के संबंध में विषम है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन खो खो के संबंध में विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे तो सुधीर भास्कर राव परब को सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया 1970 को, गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, बट यहाँ पे आंसर गोपाल पुरुषोत्तम फड़के दिया हुआ, कैसे दिया है ये हमको पता नहीं, बट ये दो खिलाड़ी जो हैं एस धारवाड़कर और हेमंत मोहन तकलकर, यदि ये क ख और घ अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है और गोपाल पुरुषोत्तम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है, उसके हिसाब से गोपाल पुरुषोत्तम फड़के आकर राइट होगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, इसका करेक्ट आंसर मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का 32 क्वेश्चंस खो खो से रिलेटेड, जैसा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें समाहित हो गए हैं, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आ सकता। एंड दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, एंड डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।